हेलो एवरीवन, सो टॉपिक इस वीडियो के लिए जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वेट। सो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा वेट। इसको पहले समझ लेते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारा यहाँ पर मीनिंग चल रहा है वो ये कि अर्थ का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन। आप जानते हो अर्थ सन के अबाउट भी रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। सो रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, दैट्स व्हाट द रोटेशन वी मीन बाय। और वेट का मतलब बेसिकली ग्रेविटी से, सो ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी, जी इफेक्टिव कितना लगने वाला है वो अपने को समझना है, अपरेंट वेट। ओके, सो अर्थ को हम एज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल है, बहुत सारे एजम्पशन होते हैं। सो अर्थ स्फेरिकल है, लेट्स से ये अर्थ है जो स्फेरिकल दिख रहा है, और लेट्स से ये उसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करता है ओमेगा से। ये ओमेगा अपने को पता रहता है बिकॉज वी पीपल आर फाउंड ऑन दिस अर्थ, सो वी आर फाउंड ऑन दिस अर्थ। सो आप पाओगे कि इसी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये 2π/T से निकाला जा सकता है। और टी क्या होता है? टाइम पीरियड। एंड वी नो कि टाइम पीरियड कितना होता है एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए, जिसमें डे और नाइट इन्वॉल्व होता है, तो वो 24 आवर्स होता है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3600 से, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सो इससे ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सो अर्थ की रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट एंड वी नो दैट। अच्छा, अर्थ के रेडियस के बारे में कभी अगर बात आएगी तो उसको हम आर ई से लिखेंगे, एंड दैट इज 6400 किलोमीटर। ये इसकी एवरेज रेडियस होती है, और इसको हम स्फेरिकल एज्यूम कर सकते हैं इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग। मोर ओवर, ज़्यादा डिटेल्स अर्थ के हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेटर होता है, एक वो लाइन जिसको कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से अगर दिखाते हैं तो दैट्स कॉल्ड इक्वेटर ऑफ अर्थ। और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, दिस इज नोन एज साउथ पोल। सो पोल्स एंड इक्वेटर, ये रेफरेंस के लिए लोग यूज करते हैं। अनलेस से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पाया जाता है, एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन इज लोकेटेड एट दिस, तो उसकी लोकेशन के लिए हम इसको यहाँ से ज्वाइन कराते हैं और इस एंगल को मेजर करते हैं। सो दिस एंगल इज बीइंग मेजर फ्रॉम द इक्वेटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जो अपने सर्कुलर के रूल्स हैं, और इसको थीटा बोल सकते हो। और थीटा की वैल्यू आप जीरो से, जीरो रखोगे तो इक्वेटर पर आ जाएंगे, 90 रखोगे तो पोल पर आ जाएंगे, -90 रखेंगे तो नीचे वाले पोल पर आ जाएंगे। तो डाउन साइड एंगल को हम माइनस थीटा से मेजर करते हैं, निगेटिव से मेजर करेंगे। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास के यहाँ पर पाया जाता है, लेट से एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो उस पर रोटेशन का क्या इन्फ्लुएंस आता है ये अपना कंसर्न है। सो सिंस अभी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सो अपने को सर्कुलर मोशन वाला एस्पेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का वो समझना होगा। सो अगर इस ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को वॉच करना चाहते हो, आपके पास कई प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, आप अर्थ से ही वॉच कर सकते हो, दैट मीन्स आपका ऑब्जर्वर भी अर्थ पर पाया जाता है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व करता है, या फिर आपका ऑब्जर्वर अर्थ के बाहर हो सकता है, अर्थ के बाहर समवेयर, तो दोनों के अपने अलग अलग रीडिंग्स आने वाले हैं। अगर आप ए से पूछेंगे, लेट से ये ऑब्जर्वर नंबर ए है, ये ऑब्जर्वर नंबर बी है, नाउ एज प्रैक्टिकली अगर स्पीकिंग, तो इजी कौन सा होगा आपको ऑब्जर्व करना? अर्थ से, बिकॉज की एवरी थिंग और एनी थिंग दैट वी सी, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द अर्थ इटसेल्फ। सो ए ऑब्जर्वेशन ईजी होगा अपने लिए, बट ए के रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट किस पाथ पे जा रहा होगा? ये रेस पर है, तो ए के रिस्पेक्ट पे रेस पे नजर आएगा, लेकिन बी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस पे नहीं होगा, सो वो मूव कर रहा होगा। तो दोनों का अपना अलग अलग कंसर्न जाने वाला है। सो इन केस विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी, सो यू विल फाइंड कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरह का उसको सर्कुलर ट्रैक नजर आ रहा होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसको दिखा, ये उस सर्कल का सेंटर होगा जिस पे चल रहा होगा। और अगर इसको डाउन साइड लेके आएंगे तो ये जो है अर्थ का सेंटर होगा, लेट्स से अर्थ के सेंटर को हम लोग ओ पकड़ते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, दिस इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ से ओ से अगर हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ज्वाइन कराएंगे तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। दिस इज हाउ द ऑब्जर्वर बी इज गोइंग टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट टू बी। लेकिन अगर आप ए से पूछेंगे तो ए बोलेगा कि नहीं, ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी साथ में मूव कर रहा था ना, इसलिए जो ए ऑब्जर्वर होगा वो रोटेटिंग फ्रेम हो जाएगा,
यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और बी हम लोगों ने इनर्शियल पकड़ा है, सो बी एक कोई इनर्शियल है। यहाँ पर हम उस अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे, कौन से अजम्पशन को, जिस अजम्पशन में हम अर्थ को इनर्शियल मानते थे। अगर हम अर्थ को इनर्शियल मानेंगे तब तो फिर ए के रिस्पेक्ट में भी ये मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो कोई भी शेडो नहीं आएगा। सो यहाँ पर हम थोड़ा और प्रिसाइज होने की कोशिश कर रहे हैं और उस अजम्पशन से बियॉन्ड जा रहे हैं, कौन से अजम्पशन से, कि अर्थ इज एज्यूम टू बी इनर्शियल। यहाँ पर अर्थ को हम नॉन इनर्शियल कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम लिखते हैं ए जो कि अर्थ है, और ये कैसा प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली दिस इज नॉन इनर्शियल। सो हम लोग नॉन इनर्शियल कंडीशन और जो एक्चुअल कंडीशन है अर्थ की वो कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ए के रिस्पेक्ट में क्या नजर आएगा, अगेन द सेम स्टोरी होगी बट वो आपको रेस्ट पे नजर आएगा। तो उसके लिए आप अगर इसका पाथ ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पाथ पे चलेगा नहीं। सो एज पर ए इट विल बी फाउंड टू बी एट रेस्ट, वेयर एज एज पर बी इट विल बी मूविंग अलोंग द अर्थ मे बी इन दिस डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट देन इन दिस वे इट इज मूविंग। नो यू नो कि ये इनर्शियल के साथ क्या करना होता है, नॉन इनर्शियल के साथ क्या करना होता है, उन रूल्स को आप एक साथ एसोसिएट कर सकते हो। सो आइदर वे यू कैन सॉल्व इट। अगर आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलना है तो इसके बी के अकॉर्डिंग चलना है तो बी के अकॉर्डिंग आपको एक सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट आएगा, और अगर आपको ए के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ कि ए के साथ कैसा दिख रहा होगा, बी के साथ कैसा दिख रहा होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से कैसा दिखेगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई विद रिस्पेक्ट टू ए, अर्थ के फ्रेम से, और ये रेस्ट कंडीशन पर है, इसका मतलब सारे फोर्स बैलेंस आ जाएंगे, तो फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो पहले फोर्स ड्रॉ करेंगे फिर फोर्स बैलेंस कर लेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ये एक सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, यू नो दैट, और उसकी वैल्यू आएगी एम इंटू जी, जी जो उस पॉइंट का होगा। आगे ग्रेविटेशन हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वो इक्वेटर से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है। अभी हम उसको जी मान के चलते हैं और इधर लगेगा। इसके बाद आपको एक फोर्स लगाना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रेडियली आउटवर्ड लगता है, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। कौन सा आर आ रहा है ये अपने को ध्यान देना है। दिस इज द आर ऑफ द सर्कल ऑन विच इट विल बी रोटेटिंग, और इट इज रोटेटिंग इफ इट इज सीन फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, ओके। एंड यहाँ से जो रेफरेंस एंगल था दैट वॉज थीटा, सो इसको भी हम थीटा पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। नाउ इफेक्टिव ग्रेविटी का मतलब हुआ कि टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ कितना लगेगा। तो ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इस एम आर ओमेगा स्क्वायर को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, और अर्थ की जो रेडियल डायरेक्शन थी उसके अलोंग, अनदर अर्थ की रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सो यू विल फाइंड कि सिंस ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा रहा होगा, सो दिस कंपोनेंट विल कम आउट एज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एंड दिस विल कम आउट एज एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, दैट मीन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑन द अर्थ, एक कंपोनेंट ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी काउंटरिंग दिस ग्रेविटी। अब सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है और एक फोर्स काउंटर कर रहा है, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, सो अगर जो आउटसाइड लगने वाला फोर्स अगर वो डोमिनेट कर गया तो फिर ग्रेविटी पुल उसको ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे नहीं रख पाएगा, वो फिर उसको उठा ले जाएगा, लिफ्ट कर देगा, फ्लाई कर जाएगा, सो ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ भी सकता है। सो डिपेंड अपॉन कि ये आर कितना है, ओमेगा कितना है, थीटा कितना है, वो सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। बट एनी हाउ इन दोनों पॉइंट्स को या फोर्सेस को काउंट करके हम बता सकते हैं इफेक्टिव वेट, यानी कि अपेरेंट वेट या इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है। नाउ ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट का भी अपना एक रोल होता है। इसका ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को अर्थ के अलॉन्ग स्लाइड कराने की कोशिश करता है। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर प्लेस्ड है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है इन प्रिसाइज और ट्रू सेंस में। अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में कभी बात की थी कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है अर्थ पे तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कोई भी उसको पुलिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन दिस फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल टू द अर्थ
on all the objects which are placed on the earth. So you'll find because of this force, if any object is placed on the earth and it is stationary, then you'll find still there will be gravitation, this frictional force, and that will be equal to this value. However, omega ki value bahut choti aati hai, omega ko aap calculate karenge to ye 10 raised to power minus 6 par aati hai. तो आप कहोगे ओमेगा बहुत छोटा होगा, उसका स्क्वायर करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. सो इसलिए जो फोर्स होता है वो निग्लिजिबल भी स्मॉल होता है, बट थ्योरेटिकली इट इज देयर. एनीवे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आएगी. सो या इफेक्टिव वेट या अपरेंट वेट, जिस तरह से लिखना चाहें सो लिख सकते हैं, अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू रोटेशन विल बी, लेट्स इसको हम डब्ल्यू डैश बोलते हैं. तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. जहाँ तक स्मॉल आर की वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो स्मॉल आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल आर में. ये जो ये अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप पकड़ते हो एंड दिस साइड इज गोइंग टू बी आर ई एंड दिस इज स्मॉल आर, सो स्मॉल आर इज बिहेविंग लाइक बेस. सो आर की वैल्यू आर ई कॉस थीटा लिखा जा सकता है. सो उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द अपरेंट वेट, सो दिस इज द अपरेंट वेट एंड यू कैन से दिस इज द एक्चुअल वेट. सो दिस इज समथिंग दैट इज डिक्रीजिंग द एक्चुअल वेट, राइट? सो अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इस पर्टिकुलर फार्मूला पर कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. जैसे कि ये बताया जा सकता है कि हाउ मच परसेंटेज चेंजेस इन द वेट एंड हाउ मच दिस वेट अपरेंट वेट इज. सो वो सारे कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो. जैसे कि आपको कोई परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन वेट, सो एक सॉर्ट सिंप्लीफाई करके फार्मूला बना देता. So this will be percentage change of weight is going to be equal to, अगर यहाँ पर equality symbol लगाते हैं, that will be final minus initial divided by initial into 100. This is how you calculate the percentage. So यहाँ से हम directly omega dash minus omega की value रख सकते हैं, तो यह आएगा minus m r e omega square cos square theta divided by weight which is mg. G is actual value basically into 100. So you can multiply this by 100. एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जो अपरेंट वेट, जो वेट में चेंज आता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. तो इट्स गोइंग टू माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी इनटू 100. नाउ दिस कैन एक्ट एज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अपरेंट द चेंज इन और परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी लोकेशन. नो, इस पे आपको क्या देने की ज़रूरत है, आर ई आपको पता रहेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको नोन रहती है, जी की वैल्यू आपको नोन रहती है, 100 इज अ नंबर यू नो अबाउट, ओनली थीटा हैज़ टू बी टॉक्ड अबाउट. कि अगर ऐसा बोलता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना परसेंटेज चेंज आएगा वेट में, आप बताइए, सो उस थीटा को रख देंगे. जैसे इक्वेटर बोलता है तो इक्वेटर के लिए थीटा की जीरो वैल्यू आ जाएगी, पोल्स बोलता है तो पोल पे थीटा को 90 रखेंगे, और किसी और लोकेशन पर उसका लैटिट्यूड देता है, थीटा को हम लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं, तो उस लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं. जैसे अगर पोल पर पूछा गया तो पोल पर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. सो देयर इज अ नो चेंज इन पोल्स एंड देयर इज अ मैक्सिमम चेंज इन इक्वेटर. मोर ओवर ये माइनस आ रहा है, ये माइनस बोलेगा कि डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वेट इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग. ओके, मोर ओवर अपने को जी इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं. तो अगर हम लोग जी इफेक्टिव निकालने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस अपरेंट वेट को लिख सकते हैं मास इंटू अपरेंट ग्रेविटी, दैट इज जी डैश और जी इफेक्टिव यू कैन से. तो यहाँ पर जी डैश लिख दे रहे हैं क्योंकि जी डैश वर्ड यूज़ किया, डब्ल्यू डैश यूज़ किया है, और डब्ल्यू को हम लिखेंगे एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो अपरेंट ग्रेविटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्चुअल ग्रेविटी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है. सो दैट वॉज अवर टारगेट कि अर्थ रोटेशन यानी ओमेगा की वजह से आप पाओगे जी डैश की वैल्यू जी से कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस लोकेशन पर आप हैं. मोर ओवर अगर हम अर्थ के रोटेशन को इग्नोर कर देते हैं, दैट मीन्स ओमेगा को जीरो कर देते हैं, तो आप पाओगे कि जो अपरेंट ग्रेविटी है वो एक्चुअल ग्रेविटी के बराबर हो जाती है. उस केस में आप पाओगे कि ये टर्म चला जाएगा.
तो अगर ये टर्म निकल गया तो जी डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वेट बढ़ जाएगा. सो आपसे पूछा जाता है अगर अर्थ स्टॉप कर दे रोटेट करना, सो व्हाट हैपेंस टू द वेट? यू से इट इंक्रीजेस. मोरओवर अगर अर्थ फास्टर रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये नेगेटिव वाला टर्म और बढ़ेगा. सो इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो इन केस अर्थ रोटेट्स फास्टर यू विल फाइंड कि इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी लेस. इसका मतलब हुआ कि अर्थ का पुलिंग इफेक्ट कम पड़ जाएगा. एक स्टेज से ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा अर्थ, तो आप पाओगे कि ये टर्म जीरो भी हो सकता है. अगर ये टर्म जीरो हो गया इसका मतलब जी इफेक्टिव जीरो हो गया, यानी अपरेंट वेट जीरो हो गया. अगर अपरेंट वेट जीरो हो गया इसका मतलब देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट फिर अर्थ पर स्टे नहीं कर पाएगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम द अर्थ. तो अगर कभी आपसे पूछता है कि ऐसा एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, तो आप इस वाले टर्म को जीरो कर देंगे. जिस जहाँ के ऑब्जेक्ट को जीरो करना है वो थीटा रखेंगे, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो इसका एक और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम लोग अर्थ पे स्टे करते हैं, वॉक करते हैं, दिस इज बिकॉज दिस ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर ये ओमेगा बड़ा हो जाए सो वी विल नॉट हैव दिस लिबर्टी टू वॉक और स्टे ऑन द अर्थ. अर्थ विल बी दिस थ्रोइंग अस अवे बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So that will be happening because of this component of force, this component that we are talking about. So this is about effect of rotation of earth on the weight of any object. And iska gravity se jo aspect hai wo hum log gravitational chapter mein cover kar lenge. Circular motion ka jo aspect tha that has been covered over here. Okay. Based on the above topic, there was a question in IIT examination. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया था और आपसे पूछा गया था वेदर इज ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर. इट सेज दैट टू आइडेंटिकल ट्रेन्स आर मूविंग ऑन रेल्स अलोंग द इक्वेटर. सो इक्वेटर के अलोंग ये मूव कर रहे हैं ऑन द अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. सो कुछ ये क्रक्स पॉइंट हो गए. एंड दे विल एग्जर्ट द सेम प्रेशर ऑन द रेल्स. अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दोनों सेम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे रेल पे, ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है. सो अगेन प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो. ये अर्थ है, इक्वेटर के अलोंग है, यानी कि यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है. इस ट्रैक पर ट्रेन रन कर रहे हैं, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है. अच्छा, अगर ये अपना अर्थ है तो हम इसको ईस्ट बोलते हैं, ये डायरेक्शन वेस्ट है. तो एक वेस्ट से ईस्ट जा रही है, लेट से ये ए ट्रेन है, और एक ट्रेन इसी ट्रैक पर आएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, वो भी है. सो अपने को बताना है कि दोनों के प्रेशर कितने होंगे. प्रेशर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑन द रेल्स, इसका मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है. सो नॉर्मल रिएक्शन बताना है. तो फर्स्ट का नॉर्मल रिएक्शन हम पकड़ लेते हैं एन ए, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो ट्रैक पर लगेगा उसको एन बी पकड़ लेते हैं. वी नीड टू क्लेम कि एन, वी नीड टू वेरीफाई वेदर एन ए इज इक्वल टू एन बी. अगर एन ए एन बी बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सेम स्पीड से जा रहा है, यानी ये भी स्पीड से जा रहा है, ये भी वी स्पीड से जा रहा है. ठीक है. सो लेट्स इसको वी नॉट पकड़ लेते हैं सो दैट कि डिफ्रेंशिएट करना ईजी रहेगा अपने लिए. तो ये भी वी नॉट है और ये भी वी नॉट है, सेम स्पीड से चलता है. इसका तुमको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है. हम लोग जानते हैं कि ये फ्लैट सरफेस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के बाद अगर इसको दूसरा व्यू बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से व्यू आ जाएगा. ये ट्रेन होगी, ये ट्रेन इधर जा रही है किसी वी नॉट से, तो इसका जो इफेक्टिव एम जी आएगा वही उसकी नॉर्मल रिएक्शन बता रहा होगा, इजंट इट? सो कैन वी से कि जो नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए वो एम इंटू जी इफेक्टिव आना चाहिए. नाउ इसमें रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि हमको प्रॉपर आंसर देना है तो एवरीथिंग हैज टू बी इन्वॉल्व, सो रोटेशन ऑफ अर्थ को इन्वॉल्व करेंगे. उसके अकॉर्डिंग जी डैश कितना आएगा वो अभी हम लोग बात कर चुके हैं. तो इसको लिख सकते हैं एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा, हम लोग इक्वेटर पर हैं तो थीटा की वैल्यू अपने को पता चल गया जीरो है. इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी एम जी, जो कि फिक्स नंबर होगा, माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. नो, अब चाहो तो ये आर यू इस वाले टर्म को हम वी स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो अगर इसको वी के टर्म में लिख सकते हैं तो फिर ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं. ये वी स्क्वायर बाई आर ई इस फॉर्मेट पे भी लिखा जा सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन दैट विल बी डिस्क्राइबिंग द प्रेशर ऑन द ट्रैक और रेल्स.
अब अपने को ए ट्रेन के बारे में बताना है, बी ट्रेन के बारे में बताना है. सो लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आने वाला है. ट्रेन ए, ट्रेन ए जैसा कि इंडिकेट किया गया है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है. सो अगर ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा तो आपको उसकी टोटल वेलोसिटी देखना चाहेंगे. नाउ ये अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो अर्थ का हर एक पॉइंट जो सर्कल पे लाई करेगा, इक्वेटर वाले सर्कल पे लाई करेगा, वो भी वेलोसिटी से मूव करेगा. और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आर ई ओमेगा. सो अर्थ के अर्थ की वेलोसिटी होगी और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको दी गई है, तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो अगर उस वेलोसिटी को हम वी ए लिखेंगे तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लिखोगे दिस प्लस दिस, देन इट विल बी बेसिकली वी नॉट प्लस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी आर ई इंटू ओमेगा. सो दिस आर ई ओमेगा इज कमिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ और ये वी नॉट है. हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं रिलेटिव फार्मूला कि रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूला यूज करके हम ए की टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप रिकॉल करना चाहते हो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ. अपने को वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ ई लगाना है. ना जो आर ओमेगा की डायरेक्शन आएगी और ये जो वी नॉट की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसलिए ये दोनों एडअप कर जाएंगे. एडअप करने की वजह से इतना वेलोसिटी आ जाएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन ए का कितना आएगा? सो नॉर्मल रिएक्शन यानी प्रेशर बाय ए इज गोइंग टू बी एम जी, दैट इज ओरिजिनल वेट ऑफ द ट्रेन माइनस एम, ट्रेन का वेट एज्यूम कर लिया, माइनस एम इंटू वी ए. वी ए को प्लेस करेंगे, वी ए की जगह पर आएगा ये वी नॉट प्लस आर ई ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस वी स्क्वायर बाय आर, सो डिवाइड बाय आर ई. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल रिएक्शन बाय ट्रेन ए. सिमिलरली कैन यू वर्क फॉर द ट्रेन बी? वैसे आपको आंसर अभी मिल जाएगा, मिल गया होगा, बट स्टिल वी कैन वर्क फॉर ट्रेन बी. बी के लिए जो वेलोसिटी आएगी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, जो रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से जो अर्थ की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और ट्रेन आपका उसका अपोजिट चल रहा है, तो इसमें एक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप वॉच करोगे कि बी की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उसके लिए आपको लिखना होगा वी नॉट माइनस आर ई ओमेगा. यानी जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी वी नॉट नहीं रहेगी, या स्पीड उसकी वी नॉट नहीं रहेगी, उसमें से आर ओमेगा कम हो जाएगी क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है. और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि वो नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव सिंबल आएगा. एनीवे, सो ये वेलोसिटी वी भी आ गई, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बाई बी ट्रेन इज गोइंग टू बी एम जी माइनस एम वी नॉट माइनस आर ई ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई. नाउ आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू. यहाँ से एन ए और एन बी में कंपेयर किया जा सकता है. एक बात तो गारंटीड हो गई कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि एन ए इज नॉट इक्वल टू एन बी. इसका मतलब है दोनों ट्रेन के जो प्रेशर्स होंगे यानी जो नॉर्मल रिएक्शंस होंगे इस ट्रैक पर, दे विल नॉट बी इक्वल. सो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. सो दिस विल बी फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू. सो इसने सिंपली पूछा था ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बताओगे फॉल्स. इनफैक्ट आप आगे चल करके ये भी बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है, कौन सी ट्रेन ज़्यादा पुश करेगी ट्रैक को, जो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है या फिर जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है. तो आप देखोगे कि ये नंबर बड़ा है और इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो फिर ये नंबर छोटा हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि एन ए इज स्मॉलर देन एन बी. सो एन ए इज स्मॉलर देन एन बी, इसका मतलब ट्रैक को कौन ज़्यादा पुश करेगा, बी वाला ट्रेन पुश करेगा. यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट ट्रेन जाएगी ये ट्रैक को ज़्यादा पुश करेगी एज कम्पेयर टू जो वेस्ट से ईस्ट जा रही होगी. सो इस तरह से आप बता भी सकते हो. इनफैक्ट आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना ज़्यादा पुश कर रही होगी, तो फिर एन ए माइनस एन बी माइनस एन ए करके कैलकुलेट भी किया जा सकता है. सो दिस वॉज एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, और इसको एग्जाम में आई डी एग्जाम में पूछा भी गया है. इसका मतलब है कि अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you, everyone.